8 साल पहले का नरेंद्र भाई मोदी को पीएम बनाने का बापूजी का सपना आज साकार हो गया है। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। साधकों ने भी इस बात का जश्न मनाया क्योंकि इन्हीं साधकों के बीच नरेंद्र भाई मोदी जी कई बार पधारे और अपने मन की भावनाएं भी व्यक्त की थी। वो आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से, आशाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे, नई चेतना लेकर के जाएंगे, एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे। जो संकल्प, जो चेतना, जो आत्मविश्वास एक नई ऊर्जा बनकर के न स्वयं के जीवन के विकास की धरोहर बनेगी, लेकिन जिस कार्य को हमने स्वीकार किया है, हमारे यहाँ कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम्, जिस कार्य को मैंने किया लिया है उस कार्य को मैं योग की भांति करता रहूंगा, सिद्धि अपने आप प्राप्त होगी। ऐसे ऋषिवर के जीवन के सानिध्य से, उनके शब्दों के मनन से, उनके आशीर्वाद की शक्ति से हम सबके जीवन को धन्यता प्राप्त होती है।